2023-24 के लिए तो बड़ा अच्छा नंबर है अगर हम देखें तो जितनी भी विकसित कंट्रीज हैं जितने भी अर्धविकसित कंट्रीज हैं उनमें जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं सबसे ज्यादा हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और पोस्ट कोविड पीरियड में जो हमारी ग्रोथ आई है पहले हम नौ दशमलव एक पे ग्रो किए उसके बाद हम सात दशमलव दो पे ग्रो किए और अभी हम आठ दशमलव दो पे ग्रो किए तो जो इंक्रीमेंट है हमारी ग्रोथ में वो बहुत ही रोबस्ट है और जिससे पता चलता है कि जो हमारी रिफॉर्म्स थी जो हमने रिफॉर्म्स कोविड के दौरान किए या फिर कोविड के बाद में किए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे और जिसका लाभ अभी हमें मिल रहा है जो हमने उस टाइम पे एफर्ट्स पुट किए अपने इकॉनमी में अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए हमारे हरेक सेक्टर को चाहे वो हमारा खेतीबाड़ी सेक्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या इंडस्ट्री हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो जो जो रिफॉर्म्स थी जो रोबस्ट रिफॉर्म्स थी उनके ही नतीजे हम अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं फाइव ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत तो सरकार लेकर चल रही है क्या लगता है ये जो करंट अभी जी के नंबर आए हैं ये दिखाता है कि हम लोग सक्षम है उस टारगेट को अचीव करने जी बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम सक्षम हैं क्योंकि अभी इसी वर्ष में जो ये वित्त वर्ष 2023-24 का है इसमें हम पाँच ट्रिलियन डॉलर चार ट्रिलियन डॉलर का इकॉनॉमी बनेंगे और इसके एक दो साल के बाद हम पाँच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनेंगे ये तो हम बहुत जल्द बन जाते लेकिन कोविड के दौरान जो थोड़ा नेगेटिव ग्रोथ रहा था एक क्वार्टर में तो उसकी वजह से थोड़ा जो इफेक्ट हुआ लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से अपने आप को ओपअप किया और हमने बड़ी अच्छी ग्रोथ आगे वर्ल्ड को दिखाई है और हम 2030 तक सात ट्रिलियन डॉलर का इकॉनमी बन जाएंगे ऐसे हमारे अनुमान हैं और आज़ादी के सौवें साल तक हमारा जो जीडीपी होगा जो हमारे एस्टीमेट्स हैं पी एच डी सी सी आई के वो चौंतीस ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा और जो ग्रोथ है वो रोबस्ट रहेगी और आठ प्रतिशत से ऊपर हम अभी जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में भी आशा है कि हम इसके भी ज़्यादा और स्ट्रांग ग्रो करेंगे भारत जैसे विकास विकासशील देश के लिए जीडीपी नंबर्स में इतना अच्छा करना लगातार क्या है दर्शाता है कि पूरे विश्व की, की अर्थव्यवस्था में जो भारत है वो एक अपना प्रभुत्व अलग से स्थापित कर रहा है अमेरिका और चाइना और यूरोपियन कंट्रीज के अलग से जी हमने प्रूव किया है खासकर के जो बड़े इकोनॉमीज हैं जो काफी पिछले सालों से बहुत अग्रसर हैं जिनके साइज ऑफ द इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा है हमने उनके साथ भी अपनी ग्रोथ को उनसे भी तेज गति से आगे लाके खड़ा कर दिया है तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है भारत के लिए कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी से एक डिवर्ल्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हमारी जो ग्रोथ है जो ग्रोथ मोमेंटम है वो एक बहुत बड़े मोमेंटम पे आगे बढ़ रही है जिस जैसा कि हमने दर्शाया है कि 9 प्रतिशत उसके बाद फिर आ, 7 प्रतिशत फिर आठ प्रतिशत तो जो ग्रोथ है वो लगातार निरंतर है हरेक वर्ष के बाद आगे आगे बढ़ती चली जा रही है और खाद खास करके यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि खाली हमारा जीडीपी ग्रोथ है जो वही एक रोबस्ट नहीं है हमारे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी रोबस्ट है हम जो टॉप ट्वेंटी एक्सपोर्टर्स हैं उनमें भी हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ी हुई है अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी टक्कर दे जी ओवरऑल हम अगर देखें तो बहुत बड़े जो ये इंडिकेटर्स हैं जो अ, खास करके जो जीडीपी नंबर्स हो या एक्सपोर्ट्स हो या फिर डेट टू जीडीपी डी रेशो हो या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल की व्यवस्था हो या फिर फिजकल डेफिसिट हो तो सभी जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वी आर ग्रोइंग रोबस्ट एंड हमने उनसे ज़्यादा अपनी माहरियत दिखाई है कि हम उनसे तेज गति से और बड़ा एफिशेंटली ग्रो कर सकें